नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इट्स कानिश यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हिमाचल प्रदेश में क्लर्क, ड्राइवर, डीईओ, डाटा एंट्री ऑपरेटर, पीएन, सफाई कर्मचारी तथा कुछ अन्य पदों पे होने वाली भर्तियों के बारे में हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। तो वीडियो में ज़रूर एंड तक बने रहिएगा। अगर आप इट्स कानिश यूट्यूब चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हिमाचल प्रदेश में आने वाली जॉब वैकेंसीज के बारे में जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन वैकेंसीज के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन करना होगा। तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है। इस फॉर्म को फिलअप करके आप इन वैकेंसीज के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस फॉर्म के साथ अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की फ़ोटो कॉपीज़ को सेल्फ अटेस्टेड करके आप इसको ऑफलाइन सबमिट करवा सकते हैं। ये फॉर्म आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो अब बात करते हैं कौन कौन से नेम ऑफ द पोस्ट रहने वाले हैं और इनके लिए आपकी क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और क्या आपको इसमें सैलरी दी जाएगी। तो नेम ऑफ द पोस्ट है इसमें नर्सिंग असिस्टेंट, इसके लिए 3 पद भरे जाएंगे और इसके लिए क्वालिफिकेशन JNM और इसके लिए आपकी एज 55 मैक्सिमम होनी चाहिए और इसके लिए सैलरी 28,100 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी। इसके अलावा डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 1 पद भरा जाएगा, इसके लिए क्वालिफिकेशन +2 पास आप होने चाहिए, मैक्सिमम एज आपकी 55 ईयर होनी चाहिए, इसके लिए सैलरी आपको 28,100 रुपये दी जाएगी। और इसके अलावा क्लर्क के लिए 3 पद भरे जाएंगे, क्वालिफिकेशन आपकी +2 पास आप होने चाहिए, मैक्सिमम एज आपकी 55 होनी चाहिए और आपको सैलरी इसमें 28,100 रुपये दी जाएगी। और इसके अलावा ड्राइवर के लिए 1 पद भरा जाएगा, इसके लिए आप 8वीं पास होने चाहिए, साथ में आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए और इसके लिए भी आपकी एज मैक्सिमम 55 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सैलरी आपको 19,700 रुपये आपको पर मंथ इसमें सैलरी दी जाएगी। और इसके अलावा फिजियोथेरेपिस्ट, इसके लिए 2 पद भरे जाएंगे, इसके लिए क्वालिफिकेशन डिप्लोमा फिजियोथेरेपी कोर्स, तो ये आपके पास होना चाहिए और इसके लिए भी आपको सैलरी 28,100 रुपये दी जाएगी। इसके लिए मैक्सिमम एज आपकी 53 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा रेडियोग्राफर, इसके लिए कुल 1 पद भरा जाएगा, तो डिप्लोमा आपके पास रेडियोग्राफर का होना चाहिए, सैलरी आपको इसमें 28,100 रुपये दी जाएगी, मैक्सिमम एज आपकी 53 ईयर होनी चाहिए। और इसके अलावा लैब टेक्नीशियन के लिए 2 पद भरे जाएंगे, इसके लिए क्वालिफिकेशन +2 पास आप होने चाहिए इन साइंस स्ट्रीम में, इसके लिए सैलरी आपको 28,100 रुपये दी जाएगी, 53 ईयर मैक्सिमम आपकी एज होनी चाहिए। इसके अलावा सफाई वाला, इसके लिए 2 पद भरे जाएंगे, 5वीं पास आप इसके लिए होने चाहिए, 16,800 रुपये आपको इसके लिए सैलरी दी जाएगी, मैक्सिमम एज आपकी 53 ईयर होनी चाहिए। और इसके अलावा लैब असिस्टेंट के लिए 2 पद भरे जाएंगे, तो इसके लिए क्वालिफिकेशन डिप्लोमा DMLT, तो ये आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा सैलरी आपको 28,100 रुपये दी जाएगी और एज आपकी मैक्सिमम इसमें भी 53 ईयर होनी चाहिए। इसके अलावा फीमेल अटेंडेंट, तो इसके लिए 1 पद भरा जाएगा और इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन 5वीं पास आप होने चाहिए, 16,800 रुपये आपको पर मंथ इसमें सैलरी दी जाएगी, मैक्सिमम एज आपकी 53 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इन वैकेंसीज़ के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 फरवरी रहने वाली है। 15 फरवरी तक आप इन वैकेंसीज़ के लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये फॉर्म आपको ECHS पालमपुर, ECHS मंडी, ECHS जोगिंदर नगर में सबमिट करवाने होंगे। तो इन वैकेंसीज़ के लिए आपका सिलेक्शन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। तो ECHS पालमपुर में इंटरव्यू 18 फरवरी 2020 को होगा और इसके अलावा ECHS जोगिंदर नगर में 19 फरवरी को इंटरव्यू होगा और ECHS मंडी में 18 फरवरी को इंटरव्यू होगा। तो अगर आप इन वैकेंसीज़ के लिए एलिजिबल हैं तो आप इन वैकेंसीज़ के लिए आवेदन कर सकते हैं। सो इन वैकेंसीज़ के बारे में कुछ ये शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन थी। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके किसी काम आएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप इट्स कानिश यूट्यूब चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।